ये मोदी जी की चिट्ठी है जो मोदी जी ने केंद्र सरकार को लिखी थी कि देश में गैस के दाम 3 गुना बढ़ा दिए जाए। अगर ऑयल गैस के दाम इस देश के अंदर $16 हो गए, $15 हो गए, $14 हो गए, आप ये मान के चलो कि अगर गैस के दाम आज के दाम से 3 गुना हो जाएंगे अगर मोदी जी की सरकार बनती है, अगर 3 गुना हो गए, इसी गैस से खाद बनती है, आपकी खाने पीने की, इस देश की सारी खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, इसी गैस से बिजली बनती है, आपकी बिजली के दाम कम से कम 2 से 3 गुना हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि एक बुलेट ट्रेन चालू करेंगे, बुलेट ट्रेन जैसे जापान में, यूरोप में, इन बड़े बड़े देशों में होती है, बुलेट ट्रेन चालू करेंगे। मुंबई से अहमदाबाद तक की ये गाड़ी होगी, मुंबई से अहमदाबाद तक की दूरी ये बता रहे हैं 2 घंटे में पूरी करेगी और इसकी टोटल लागत 60,000 करोड़ रुपए आएगी, 60,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। दोस्तों मैं थोड़ी सी गुना भाग करके देखी है कि इसमें एक आदमी को किराया कितना देना पड़ेगा और मेरी जो गुना भाग दिखाती है कि इस ट्रेन में मुंबई से अहमदाबाद तक यात्रा करने के लिए एक तरफ का एक आदमी का 75,000 रुपए का किराया होगा, एक आदमी का एक तरफ का मुंबई से अहमदाबाद तक का 75,000 रुपए ट्रेन का किराया होगा। बताओ अगर आप मुंबई से हवाई जहाज लो तो मुंबई से अहमदाबाद 2 घंटे में पहुंच जाते हैं और 4,000 रुपए की टिकट है, हवाई जहाज से 4,000 रुपए की टिकट है, ट्रेन से 75,000 रुपए का किराया होगा, तो कौन जाएगा जी इस ट्रेन के अंदर? साथियों आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी अभी हम 370 पेज का सबूत पुलिस थाने में बाबा रामदेव जी के नेतृत्व में देके आ रहे हैं कॉमनवेल्थ खेलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ, पुलिस में हम रिपोर्ट दर्ज करा के आ रहे हैं, हमने आज अपनी कंप्लेन दी है, अगर इस हमने उसमें लिखा है कि कॉमनवेल्थ में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें चीटिंग हुई, फ्रॉड हुआ, साजिश हुई, फोर्जरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, ये सारे के सारे आपराधिक मामले हैं और इसमें 7 दिनों के अंदर FIR दर्ज करवाई जाए, 7 दिनों में अगर FIR दर्ज नहीं करवाई गई तो हम कोर्ट में जाके आदेश लेके आएंगे पुलिस के खिलाफ कि FIR दर्ज करवाई जाए।